गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ सोनू। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सोनू व्लॉग्स। तो होप तो आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आ चुके हैं फिर नई वीडियो के साथ में, क्योंकि आज कुछ काम से आना है। तो कल की डेट में मैंने बोला था एक नया फ़ोन हम लोगों ने ऑर्डर किया गया है, डिलीवरी इतनी फास्ट हुई कुछ कहना है कि नहीं। मतलब कल फ़ोन किया तो 24 घंटे में ही फ़ोन आ गया, तो कुरियर वाले भैया फ़ोन दे गए थे। और आज मुझे कहीं काम से आना था, तो आज अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाते हैं बढ़िया से फर्स्ट क्लास। तो देखिए मस्त मज़ा आएगा। और बाकी थंबनेल और टाइटल तो समझ ही गए होंगे कौन से फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को बढ़िया से। तो अभी नीचे तो आ चुके हैं और पेड़ों को पानी देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पेड़ को पानी तो दे दिया है, नीचे पानी दे दिया, ऊपर पत्तियों को भी दे दिया है, क्योंकि दिन भर धूप में रहते हैं और पानी दे दिया बढ़िया से। तो अभी बैठे हैं, मतलब तो अभी बैठे हैं अपने गैलरी में और एक मस्त चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छा है। दिखाते हैं सबसे पहले, दिखाते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। तो मम्मी ने आज सारे कपड़े धुल दिए हैं और यहाँ पे इसको फोल्ड करके सही कर रही हैं। पानी प्यास लगी है, इनको पानी पिला देते हैं कह रही थी। और दूसरी चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए कितनी मस्त हवा चल रही है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बंगाल में चक्रवाती तूफान आने वाला है, तो हमको लग रहा है उसी का ही कुछ असर पड़ रहा है। तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है और पेड़ कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं मस्त। तो मम्मी काफ़ी देर से बोल रही थी पानी लाने के लिए, नहीं लाए तो चेहरा देख लिए कैसे दिखा रही है। ला रहे हैं पानी, पानी तो निकाल लिया और मम्मी को दे देते हैं। ये लो पानी, खूब पियो, खूब पड़ो, पीते हुए दिखा दे। चलिए चलते हैं ऊपर, थोड़ा कुछ काम में वीडियो शूट करनी है कुछ, तो ऊपर मिलते हैं आप लोगों को बढ़िया से। तो अभी आ चुके हैं छत के ऊपर और देख सकते हैं, मतलब काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, जैसे अभी नीचे दिखाया था। तो कपड़े डाले गए थे फैलने के लिए, सुखाने के लिए, सारे ज़मीन में गिर गए। ये पूरी छत पर जो है कपड़े इधर उधर ही बिखरे पड़े हुए हैं। तो अभी आए हुए थे छत पे जूते लेने, जूते सूखने के लिए डाले थे तो वही लेने आए थे। और अनबॉक्सिंग करेंगे सैमसंग A03S, सैमसंग का है, ब्लैक कलर का मैट, बहुत अच्छा फ़ोन है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये कुछ बॉक्स है, ऑनलाइन ऑर्डर किया था हम लोगों ने पहले जो फ़ोन लाए, मतलब एक फ़ोन पहले भी लाए थे, तो वो भी दिखा देते हैं। नहीं तो आप लोग कमेंट में ऐसा मत कहिए कि पहले वाला फ़ोन दिखा रहे हैं। तो ये वाला फ़ोन पहले मंगाया गया था मम्मी के लिए, और ये वाला फ़ोन दूसरा मंगाया गया है, हमारे एक रिलेटिव है मतलब मौसी जी के लिए मंगाया गया है, तो उन्होंने ही ऑर्डर कराया है, उन्हीं का ही फ़ोन है। तो अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं सिर्फ बना रहा हूँ बस, अनबॉक्सिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पुराने वाले फ़ोन को साइड में कर देते हैं और नए वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग में मतलब फ्रंट में ही जो बॉक्स आप देखेंगे, तो स्टार्टिंग में ही सैमसंग गैलेक्सी A03S लिखा हुआ होगा और बढ़िया सा फ़ोन की फ़ोटो होगी, आप देख सकते। ब्लैक कलर मंगाया गया है, तो बढ़िया सा मैट फिनिश है और साइड में दिया गया है ब्लैक कलर और उसकी फ़ोन की फ़ोटो, और यहाँ पे सैमसंग बड़ा बड़ा लिखा है। और इसको जैसे ही आप रिटर्न करेंगे, मतलब बैक साइड में ले जाएंगे, तो इसकी कुछ डिटेल्स लिखी है, तो यहाँ पे भी सैमसंग गैलेक्सी A03S लिखा है, मतलब बहुत सारी डिटेल लिखी है, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बस इतना बताएंगे कि इस फ़ोन में और उस फ़ोन में क्या फ़र्क है। तो पहले जो फ़ोन हम लाए थे और इसमें क्या फ़र्क है वो बता देते हैं। तो ये जो पहला फ़ोन मम्मी के लिए लाए थे, तो ये 3 और 32 GB का था, मतलब 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल थी। और ये जो फ़ोन लाए हैं ये 4/64 है, यानी 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल है। तो इसके बैक साइड में काफ़ी सारी डिटेल है, पूरी डिटेल से मतलब मैं वीडियो, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि मगर मैं एक एक डिटेल बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बैक साइड मतलब नीचे बैक साइड में अगर नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ लिखी है, जहाँ पे लिखा है मेक फॉर इंडिया, मतलब मेड इन इंडिया, इंडिया में बनाया गया है सैमसंग जो है। और यहाँ पे एक बारकोड दिया गया है, इसको स्कैन करेंगे तो इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स खोलेंगे, और बॉक्स जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि सैमसंग लिखा हुआ है, बिल्कुल वाइट बोर्ड है, बिल्कुल मतलब वाइट पेपर है, उस पर सैमसंग लिखा है, और इसी में है हमारा फ़ोन है। तो पहले इसको साइड में कर देंगे, और उसको बाद जब आएंगे बॉक्स के अंदर तो कुछ पेपर वर्क हैं, दो या तीन पेपर वर्क हैं,
तो वो भी अभी साइड में कर देते हैं, किनारे साइड में, किनारे में रख। तो दो या तीन पेपर वर्क हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल लिखी होती है, इसको पढ़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप बॉक्स में आएंगे, तो यहाँ पे एडाप्टर दिया गया है एक सैमसंग का, और इसकी डिटेल यहाँ पे लिखी है। और ये बारकोड है, ये बारकोड इसलिए दिया होता है कि कोई भी आप जेन्युइन प्रोडक्ट होता है, मतलब कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर एक बारकोड दिया होता है, यूनिक नंबर, मतलब यूनिक बारकोड होता है या यूनिक नंबर होता है, तो उसको स्कैन करने या उसकी यूनिक नंबर को आप डालेंगे तो उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी कि किसने लिया है, क्या है MIM, मतलब बहुत चीज़ बहुत डिटेल होती हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। और इसके फ्रंट में आप सैमसंग का ही लोगो, मतलब सैमसंग लिखा होगा, वो देख सकते हैं। चलिए इसको भी किनारे रखते हैं, और अंदर बॉक्स में आप जाएंगे तो एक डेटा केबल भी मिलेगी आपको सैमसंग की। और यहाँ पे भी देख सकते हैं बारकोड दिया गया है, मतलब कि मैंने बताया जैसा कि जितने भी ब्रांड होते हैं अच्छे, तो उस पर बारकोड ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसको भी किनारे कर देते हैं, और बॉक्स में कुछ भी नहीं है, मैं बॉक्स को रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे उसकी डिटेल है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, और अब खोलते हैं फ़ोन को। तो बढ़िया सा सभी चीज़ों को हमने सेट कर दिया, और इसमें हमारा फ़ोन है तो इसको खोलेंगे पहले। इसको यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे इसका एक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं, शायद इधर से खुलेगा। तो यहाँ पे अंदर डाले, तो इसमें हमारा फ़ोन है, तो इसको खोलते हैं, और बैक साइड में जब रोटेट करेंगे, मतलब बैक साइड टाइट करेंगे, तो यहाँ पे की दी गई है सिम के लिए, सिम मतलब निकालना और लगाना हो तो इसका यूज़ होता है। आप लोगों को सब पता होगा, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप लोगों को क्या ही मैं बताऊं। तो चलिए इसको फ़ोन को निकालते हैं, तो यहाँ से मैंने इसको खोल लिया है, और अभी फ़ोन निकलेगा हमारा अंदर से, तो इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़े हैं और एक हाथ से वीडियो बना रहे थे, तो इसको निकालने में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, तो अभी फ़ोन को तो बाहर निकाल लिया गया, और जैसे ही फ़ोन को निकाला उस पर पन्नी लगी हुई है, यहाँ से पन्नी को खोलेंगे। और अगर आप पन्नी नहीं खोलना चाहते हैं तो साइड में इसको ऊपर से पुश करेंगे तो खुल जाएगा। तो ये है हमारा, तो अभी पन्नी हटा दी है, और ये है हमारा फ़ोन। इसके बैक साइड में आएंगे तो देखते हैं, ब्लैक कलर का है, मम्मी का फ़ोन ब्लू कलर का था। यहाँ पे तीन कैमरे दिए, अब जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर कैमरे ही नज़र आ रहे हैं, एक टाइम ऐसा भी आएगा कैमरा ही कैमरा होगा पीछे साइड में। साइड में जब आप आएंगे तो ईयरफोन का जैक दिया गया है, ये चार्जिंग दिया गया है, ये शायद सेंसर है, और ये माइक, ये वो है स्पीकर, ये स्पीकर है। और यहाँ पे लॉक बटन दिया गया है, और इस साइड में, और यहाँ पे दिया गया है ये लॉक बटन, लॉक बटन के साथ में सेंसर है, और यहाँ पे वॉल्यूम अप और डाउन करने का एक ऑप्शन दिया गया है। चलिए इसकी ओपन करते हैं, तो ये फ़ोन मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था, क्योंकि चेक करना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन मंगाया था तो चेकिंग करनी पड़ती है कि फ़ोन आया, पता चला अंदर से कुछ निकले, स्कैम हो जाए, स्कैम हो गया, तो इसलिए उसको खोल लिया था। सभी चीज़ें मैंने खोल के दिखा दी आप लोगों को बढ़िया से। तो ये है हमारा नया फ़ोन, तो इस कल या परसों में मौसी आएंगी, तो उनको दे दिया जाएगा, तो कल या परसों में। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करिए चैनल पर। बढ़िया से सभी चीज़ें दिखा दी है, अनबॉक्सिंग की वीडियो की है, एक अनबॉक्सिंग की वीडियो और आएगी एक दो दिन में, वो जब आएगी तब मैं बताऊँगा क्या है। कैसा लगा मोबाइल फ़ोन, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है। ये मोबाइल फ़ोन कैसा है और कैसा लगा आप लोगों को, और ये भी कमेंट करिए कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और सनसेट भी हो चुका है, मतलब मैंने वीडियो तो पहले शूट कर ली थी स्टार्टिंग की और एंड की, तो क्योंकि काम से जाना था जैसा कि मैंने सुबह बताया था। व्लॉग को करते हैं ख़त्म, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारी वीडियो बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।